thank you. हे व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर चैनल वेलास्टी मूवी एंड गाइज़ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ रेबल मून द फर्स्ट पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमैटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डी जे हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार्ट टू स्कैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बेसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहें मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोर्टी एट का लेकिन उधर ही देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गा इस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई और रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे, रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी हॉपकिंग्स और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस, इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूँगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रिकमेंड करूँगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग रोटेन टमाटोज मिटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ गाइस ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड मेक शोर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूजर ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पे भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई और रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बॉटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है इस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू स्कैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आएम रेटिंग बेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रेटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्वियसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहें मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमैटो रेटिंग है रेबल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊँगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टी मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लानट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरण माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है इस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई रेटिंग रोडन टोमेटो मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बियसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक शो कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर ही देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गा इस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवे में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ले कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे, रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी हॉपकिंग्स और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार्ट टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमैटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टी मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डी जे हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है इस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू स्कैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा भागाऊँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बेसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहें मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोर्टी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गा इस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई और रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे, रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी हॉपकिंग्स और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड एलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस, इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूँगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रिकमेंड करूँगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग रोटेन टमाटोज मिटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ गाइस ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहें मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पे भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवे में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बॉटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी हॉपकिंस और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैंडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड एलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है इस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू स्कैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आएम रेटिंग बेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रेटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्वियसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहें मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमैटो रेटिंग है रेबल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊँगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टी मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लानट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरण माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई रेटिंग रोडन टोमेटो मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बेसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक शोर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर ही देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक like, एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवाल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गा इस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई और रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होपकिंग्स और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस, इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई रेटिंग रोड एन टमेटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बियसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूजर ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमैटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है इस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा भागाऊँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बेसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहें मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोर्टी एट का लेकिन उधर ही देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गा इस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवे में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे, रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी हॉपकिंग्स और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड एलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस, इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग रोटेन टमाटोज मिटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ गाइस ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूजर ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पे भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवे में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार्ट टू स्कैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आएम रेटिंग बेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रेटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्वियसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहें मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमैटो रेटिंग है रेबल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊँगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टी मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लानट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैंडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियाँ इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड एलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू स्कैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बियसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक शोर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर ही देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवाल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गा इस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई और रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होपकिंग्स और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस, इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को दबा देते हो ताकि आप लोग को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूजर ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमैटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पर भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डी जे हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी होप और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है इस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा भागाऊँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग रोडन टमाटोज मेटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ ऑब्बियसली ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज़ के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूज़र ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोर्टी एट का लेकिन उधर ही देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज़ में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो वैसे मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टी मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लानट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पे भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गा इस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो खत्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो भाई अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवे में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही खतरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई वो रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे, रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी हॉपकिंग्स और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार्ट टू दैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर पार्ट का तो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को सारा इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग रोटेन टमाटोज मिटाक्रोटिक्स एंड काटाकू रेटिंग्स बताने वाला हूँ उसी के साथ इस मूवी को आप कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो ये भी बताने वाला हूँ गाइस ज़्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ नहीं हुआ तो है तो ये जो मूवी है अभी मैं आपको बताता हूँ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा एंड मैंने इस मूवी को देख रखा है तो मेरा एक हॉनेट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में आपको देखना चाहिए फिर नहीं देखना चाहिए एंड इस मूवी का आई एम डी बी रेटिंग ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड गाइस मेक श्योर कर लो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हो ताकि आप लोगों को सबसे पहले जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे मूवीज के वर्ल्ड में तो ये जो मूवी है रेबल मून एक फैंटसी एक्शन फिल्म है जिसका टोटल लेंथ है टू आवर्स फोर्टीन मिनट एंड इस मूवी को आई एम डी बी पे रेटिंग मिला है टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स का जहाँ पे एटी सिक्स थाउजेंड यूजर ने इस मूवी को रेट किया है उधर इस मूवी का यूज़र रिव्यू है वन पॉइंट सिक्स थाउजेंड एंड क्रिटिक्स रिव्यू है इस मूवी का वन फोटी एट का लेकिन उधर देखा जाए इस मूवी का जो मेटा स्कोर है भाई लोग वो थोड़ा कम है लाइक थर्टी वन का मतलब मेटा स्कोर बहुत कम है यार तो इस मूवी को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है मतलब मेटा स्कोर का यही मतलब होता है मतलब सर्च नहीं किया जा रहा है इस मूवी को तो चलो कोई ना आगे हम लोग बढ़ते हैं रेटिंग्स रिव्यूज में तो इस मूवी का रोटन टोमेटो रेटिंग है रेबेल मून पार्ट वन अ अच्छा चाइल्ड ऑफ फायर का तो इस मूवी का लाइक टोमेटो मीटर्स का रेटिंग है ट्वेंटी टू परसेंट का एंड ऑडियंस स्कोर है फिफ्टी नाइन का तो मतलब ऑडियंस भी मूवी देखते देखते थोड़ा बोरिंग आ जा रही है इसलिए फिफ्टी नाइन का इसका मतलब रेटिंग है तो गाइस मैं भी बताऊंगा भाई मैंने भी इस मूवी को पूरा नहीं देखा एक्चुअली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा मतलब अच्छा है अगर देखने बैठोगे तो बहुत आपके पास टाइम है तो आप देखने बैठ रहे हो तो अच्छा है अदरवाइज़ ये जो मूवी है उतना भी नहीं अच्छा लगेगा पूरा ही आराम से देखो टू आवर्स थर्टीन मिनट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है एंड इस मूवी के अंदर भी वही होता है एक बहुत ही मतलब अर्थ जो है वो अर्थ थोड़ा ख़त्म हो चुका है पूरा मतलब सारे रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं अर्थ के तो जो ह्यूमन का लाइक एवोल्यूशन है वो अभी मून के सरफेस पे हो रहा है एंड वो लोग इतना ज़्यादा एवोल्व कर चुके हैं कि उधर बड़े बड़े स्पेसशिप को बना के वो लोग अब अलग अलग अर्थ लाइक अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन्हें सब कैप्चर कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये लोग एडवांसमेंट कर चुके हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आगे में दिखाया जाता है मूवी के अंदर लाइक जो अर्थ पे भी बहुत सारे मतलब गाइस समझ लो जो इंसान बचे हैं ये लोग थो, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते हैं एंड and... एंड ये जितने भी लाइक जो अनाज है गाइस मतलब जो रेशन है ये लोग क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ वही व्हीट राइस यही जो है खाने वाने का आइटम जितना लोग अभी लाइक पृथ्वी पे हर एक लोकेशन पे आप क्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है पृथ्वी का वो ख़त्म हो चुका है पूरा तो वही गाइस जो मतलब अभी कुछ कुछ बस्ती जैसे लोग होते हैं वो लोग अपना अनाज उगाते हैं खाते हैं रहते हैं पीते हैं इतना ही बस इनका लाइफ होता है और हमें दिखाया जाता है जो मून पे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं स्पेसशिप पे ये लोग अर्थ पे आते हैं एंड ये लोग भाई जितने भी सारे लोग अलग अलग बस्ती में लाइक जो वही अनाज उगा रहे हैं ये लोग वसूली के तौर पे अनाज इनका छीन के लेके चले जाते हैं तो ऐसा ही होता है इस मूवी के अंदर एंड इसके अंदर जो जर्नल होता है भाई सच्ची में बहुत ही हरामी होता है मूवी में दिखाया जाता है लाइक बहुत ही ख़तरनाक भी है मार भी देता है किसी भी इंसान को बिना एक बार भी सोचे क्योंकि इसके पास भाई और रेबल मून का पावर है रेबल मून का पावर नहीं मतलब रेबल मून जो है मून का जो जितने भी उधर अभी एडवांस्ड ह्यूमन है इनका पूरा एक फोर्स होता है और ये लोग ह्यूमन जो पृथ्वी पे हैं इनके ऊपर ये लोग मतलब जास्ती करते हैं समझ लो मतलब इनके ऊपर कुछ भी जैसा रूलिंग कर रहे हैं ऐसा समझ लो इस मूवी के अंदर हम लोगों को गाइस बजट से लेके बॉक्स ऑफिस तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड एक्चुअली ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो आई थिंक इसका बजट बताना पॉसिबल है लेकिन बॉक्स ऑफिस नहीं है पॉसिबल तो इस मूवी के लाइक जो डायरेक्टर हैं वो हैं जैक स्नाइडर स्क्रीन प्ले किया गया है जैक स्नाइडर कर्ट जॉन स्टैंड के द्वारा शे हैटन के द्वारा स्टोरी भी दिया गया है जैक स्नाइडर के द्वारा ही और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं डेब्रॉय स्नाइडर एरिक न्यूमैन जैक स्नाइडर एंड वेस्ली कॉलर तो इतने सारे इस मूवी के मतलब प्रोड्यूसर हैं स्टारिंग कास्ट में आपको देखने को मिलती हैं सोफिया बाउटेला डीजे मान ईमान हौन्सा एड सिकरन माइकल होइसमैन डोना बे रे फिशर चार्ली हनमैन एंड एंथनी हॉपकिंस और सिनेमाटोग्राफी किया गया है जैक स्नैंडर के द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट था दिसंबर 15, 2023 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रोडक्शन कंपनियां हैं इस मूवी की दी स्टोन क्वेरी ग्रैंड इलेक्ट्रिक और रनिंग टाइम है इस मूवी का टोटल 134 मिनट्स का एंड जो कंट्री है गाइस यूनाइटेड स्टेट है लैंग्वेज इंग्लिश बजट इस मूवी का है टोटल 166 मिलियन यूएस डॉलर एंड ये अभी शेयर्ड विथ पार्ट टू भी हो चुका है एंड इस मूवी का लाइक जो पार्ट टू का नाम है वो भी डिसाइड हो चुका है रेबल मून पार्ट टू स्कैवेंजर तो गाइस ये जो है पार्ट टू का नाम है एंड डिसाइड हो चुका है और मैं तो वेट करूंगा एक्चुअली मैं भी मतलब लास्ट तक बोरिंग लगा था मैं पूरा मूवी छोड़ के नहीं भागा हूँ तो मतलब मैंने पूरा प्लॉट देख चुका हूँ इस मूवी का एंडिंग भी मेरे को पता है क्या है तो मैं तो इसका पार्ट टू का गाइस ऑब्वियसली वेट करूंगा ही इतना भी नहीं बेकार है लाइक हंड्रेड परसेंट मैं रेकमेंड करूंगा इस मूवी को जाके एक बार देख लो टाइम है तो हंड्रेड परसेंट ये मूवी जो है आपको वर्थ इट लगेगा ठीक ठाक है उतना भी नहीं बेटर है बोला जाए तो सीधा बात है बस देखने लायक है अच्छा मूवी है पार्ट टू भी है इस मूवी का इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है मूवी मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो के अंदर